हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से आपको सिखाया जाएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहली वीडियो हमारी बार ग्राफ और तालिका से रिलेटेड चल रही थी, तो आज की नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी लेसन से रिलेटेड है, लेसन नंबर 16। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ग्राफ एवं तालिका से रिलेटेड 16 लेसन से कराए जाएंगे, और सुपर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, और हर क्वेश्चन आपके सामने इजी और तकनीकी से आपके सामने इनका सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए और ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखिए, और हमारी जितनी भी इस किताब की जितनी भी वीडियो बनी है हमने उन सभी को प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियो को सीरीज वाइज आप देखकर अपना यूपी पुलिस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपका लक इस बार खिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखें। जैसे कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो नीचे दिया गया बार ग्राफ, ये एक बार ग्राफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने इसको रखा है। तो नीचे दिया गया बार ग्राफ 4 महीनों का, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का, इन 4 महीनों का अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान किसी व्यक्ति की आय और व्यय दिए गए 4 महीनों में व्यक्ति की औसत बचत हमें बतानी है। देखिए, आय और व्यय का बार ग्राफ दिया गया है, तो ये हमारा आय और व्यय का बार ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ से हमें एक व्यक्ति की औसत बचत हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर आय और व्यय 1000 रुपये में है इसका, और अप्रैल में उसकी आय 22,000, तो खर्च हुआ 7,000, मई में 30,000 आए, खर्च हुआ 13,000, और जून में 20,000 आए तो खर्च हुआ 25,000, और जुलाई में 38,000 आए तो खर्च हुआ 10,000 आए। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ के माध्यम से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। तो हमें निकालना है उसकी औसत बचत। तो औसत बचत आप जानते हो, औसत बचत होता है सभी का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बचत यानी कि सभी का हम योग करेंगे और बटे में कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 माह की है, तो बटे में 4 रखेंगे। अब देखो, यहाँ से हम आय में से खर्च घटाकर बचत को ज्ञात कर लेते हैं। यदि एक व्यक्ति की आय 22,000 है, तो 22 में से 7,000 उसने खर्च कर दिया, तो 15,000 उसका शेष बचा, तो ये बचत आ जाएगी 15,000, और प्लस सभी को जोड़ेंगे। मई माह में उसने 30,000 रुपये आय किया, तो 13,000 रुपये उसने खर्च किया, तो 17,000 रुपये उसके बचत के हुए प्लस। उसके बाद जून माह में 20,000 रुपये की आय की और खर्च किया उसने 25,000, तो माइनस में 5,000 खर्च, माइनस का 5,000 हुआ बचत, माइनस का 5, और प्लस जुलाई में 38,000 आई थी तो खर्च हुआ उसका 10, तो बचे उसके 28, 38 में से 10 घटाएंगे 28। अब देखो, इसको हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान होता है मैथ। मैथ कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, और ना ही मैथ डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से मैथ बिल्कुल ईजी होता है, यही हम आपको सिखाते हैं। तो इससे आप कभी भी मैथ में डरना मत, और आप निडर होकर अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आसानी से निकलेगा। देखो, इसको आसानी से जोड़ लीजिए, 15 में से 5 घटाएंगे माइनस के, तो प्लस के 10 रह जाएंगे, 10 और 17 27, 27 दूनी 54, यहाँ से लेंगे और एक 55, तो इन सभी को मैंने जोड़ लिया, 55 आता है, और बटे में 4, और जैसे कि उसने अपनी यूनिट बताई है 1000 रुपये में, आय और व्यय के जो खर्च बताया है या आय बताई है 1000 रुपये प्रति बताया है, तो 1000 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अब देखिए, यहाँ से इसका स्पष्ट औसत बचत आ जाएगी। चलिए देखते हैं, 4 एकम 4 एकम 4,
एक बचेगा हो गए 15, चार तीय 12, तीन बचेंगे हो गए 30, यहाँ तक चार सत्ते 28, दो बचेंगे चार पंजे 20 और एक जीरो, ये तो ये हो गई उसकी औसत बचत 13,750। तो देखते हैं 13,750 ऑप्शन बी इज राइट। ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, ये एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें 2005, 6, 7 और 8 व 9 पांच वर्षों का ये बार ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पर 0, 50, 100 से लेकर 500 तक का निर्यात लाख टन में और निर्यात करोड़ रुपयों में दर्शाया गया है। देखिए पहली कंडीशन का जो बार ग्राफ है ये निर्यात लाख टन में है और ये निर्यात करोड़ रुपए में है। दूसरी वाली कंडीशन का ये पहली का वही निर्यात है और ये निर्यात करोड़ रुपए में, पहला निर्यात लाख टन में, दूसरा करोड़ रुपए में, पहला निर्यात लाख टन में, दूसरा करोड़ में, पहला निर्यात लाख टन में और दूसरा करोड़ रुपए में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का जवाब बेहतर तरीके से बिल्कुल आसान बना के देना है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही ईजी और आसान सॉल्यूशन मैं आपके सामने दिखाऊंगा और आप भी एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे ही करना, माइंड पर ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, बस टेक्निकल तरीका यूज कीजिए और आसानी से हर क्वेश्चन का उत्तर लीजिए। चलिए देखिए कैसे हल होता है। तो देखो इसमें एक ग्राफ का अध्ययन करके हमें बताना है कि किन दो वर्षों में, तो यहाँ पर हम यहीं से ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्न बार ग्राफ में, ये बार ग्राफ है, इसमें 5 साल की अवधि में भारत के बिस्किट निर्यात को दर्शाया गया है। भारत का बिस्किट निर्यात लाख टन में है और निर्यात करोड़ रुपए में है दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, किन दो वर्षों में प्रति टन निर्यात मूल्य समानता, किन दो वर्षों में प्रति टन निर्यात मूल्य समानता, वे दो वर्ष बताने, 2005 या 2008 वह 9 होगा या 2007 वह 8 होगा या 2006 वह 7 होगा। अब देखिए किन दो वर्षों में निर्यात लाख टन और निर्यात करोड़ रुपए में बराबर था, ये हमें देखना है किन दो वर्षों में, जैसे 2005 वर्ष में, 2006 वर्ष में। अब देखना है यहाँ से, देखो इससे ये देखा जाए, देखिए निर्यात इतना और लाख निर्यात करोड़ रुपए में यह है, निर्यात लाख टन में यह है, तो इससे ये कितना गुणा है ये देखना हमें, किन दो वर्षों में ये समान रहा ये मालूम करना है। तो यहाँ है 100, यहाँ है 150, 100 का 150 डेढ़ गुणा होता है, डेढ़ गुणा होता है ये, आप देख सकते हो डेढ़ गुणा कैसे होता है। अगर मैं 150 को भाग कर दूँ 100 से, तो 0 0 10 से इसको भाग करेंगे 1.5, यानी कि डेढ़ गुणा ऐसे लिखा जाएगा। तो अब मैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी को लिख दूंगा, आप समझ जाना। देखिए इससे ये कितना गुणा है, डेढ़ गुणा, जिन दो वर्षों का मान समान आ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेंगे, डेढ़। अब यहाँ पर देखिए ये 75 × 150, ये दो गुणा है, ये डेढ़ गुणा, ये दो गुणा। अब यहाँ पर देखिए 150 × 300, दो गुणा तो है यह, और दशमलव लगाकर 300 को फिर 150 × 300, यानी कि 2.2 गुणा ये हो गए यहाँ से, ये 2.2 गुणा। अब इसको देखते हैं 16 × 32, 8 रह गया, तो इसका ये कितना गुणा आप देख सकते हैं। चलिए आप देख लीजिए 160 पर ये 400 कितना गुणा, 2 0 से 2 1 0 से 1 0, और 16 × 32, 8 16 85, ढाई गुणा हो गया ये। देखो अभी तक कोई भी समान नहीं हुआ दो वर्ष आपस में, ये डेढ़ गुणा, ये दो अलग अलग हो गया, ये दो हो गया, ये 2.2 हो गया, ये भी समान नहीं है, यहाँ से ये ढाई गुणा है और इससे ये भी ढाई गुणा है, देख लीजिए आप देख सकते हैं 200 पर 500 ढाई गुणा होता है, 1 2 0 से 2 0, 2 से 5 को काटे ढाई बार कटता है, तो ढाई गुणा हो गया।
तो ये है वे दो वर्ष 2008 व 2009, इन दोनों वर्षों में ढाई गुना यहाँ पर है 2008 में और ढाई गुना 2009 में होता है। तो यही वे दो वर्ष है जिनमें प्रति टन निर्यात मूल्य समानता, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 तालिका का क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक के 5 कंपनियों का उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 5 कंपनियों का उत्पादन इस तालिका में दर्शाया गया है, जैसे कंपनी 5 है, पी क्यू आर एस ओ टी, और वर्ष दिया है 2012, 13, 14 और 15, 16। देखिए 12, 13, 14, 15, 16 और इनमें अलग अलग कंपनियों में अलग अलग संख्या में उत्पादन टन के रूप में दर्शाया गया है। अब हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, बहुत ही जरूरी है। देखिए तालिका तो समझ में आ गई, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है। वर्ष 2014 में बात कर रहा है, 2014 में कंपनी क्यू का कुल उत्पादन, कंपनी क्यू का कुल उत्पादन, देखिए क्यू का उत्पादन हो गया 2014 में 444,000 टन, ये रहा टन। और वर्ष 2016 में कंपनी एस 2016 में कंपनी एस का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये इसके कुल उत्पादन का ये कितना प्रतिशत है ये हमें बताना। तो 111 पर 444 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस फिनिश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर 111 चौका 444 तो 100 गुणा 4 400%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जबरदस्त तरीके से आप मैथ को सीख कर आगे बढ़ेंगे, यही हमारा आपसे प्रॉमिस है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 400%। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देख लीजिए ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रति 1000 पर जन्म दर है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक ग्राफ बनाया गया है। और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ देश हैं, जिसमें जन्म दर 15, 16, 20, 30, 33, 40 हज़ार है। ये हज़ार की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर केवल 15-20, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम 15,000, 16,000, 20,000, 30,000, 33,000, 44,000। तो यहाँ निम्नलिखित देशों की जन्म दर जनसंख्या बताई गई है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैसे उत्तर देना, देखिए देश सी की जन्म दर, ये देश सी है, इसमें जन्म दर है 20,000 और देश ई की जन्म दर की लगभग कितना प्रतिशत है, देश ई की जन्म दर की यानी 33/20 लगभग कितना प्रतिशत है ये वाला, ये तो 33/20 लगभग कितना प्रतिशत है, 33/20 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से हम लगभग कितना प्रतिशत है ये हमें फाइंड करना है। अब देखो 20, 2, 0 ये, अब यहाँ पर इसके मारनी चलाएंगे, सिंपल से तरीके से आपको दिखाएंगे जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो 33 से हम इसको भाग करके दिखाते हैं, 33 6 के 198, 2 बचेगा, फिर उतारेंगे यहाँ पर 0, 20 पर मारनी नहीं चलती, 0 लगाकर दशमलव, फिर 0, फिर 33 6 के 198, फिर 2 बचेगा, तो लगभग उसने बोला है जन्म दर की लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग। अब देखिए लगभग 60.6% है, तो हम लगभग पूर्ण अंकों में दिखाएंगे, हम इसको लगभग पूर्ण अंकों में दिखाएंगे 60%, दशमलव के बाद की संख्या छोड़ देंगे, पूर्ण अंकों में हो गया 60%, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा,
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने बार ग्राफ का। तो बार ग्राफ का ये खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लीजिए और बन जाइए नंबर 1 बार ग्राफ में और पाई चार्ट में। आप बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे मैथ को सीखने के बाद, आपका कोई तोड़ नहीं होगा दुनिया में, आप इतना ज़बरदस्त मैथ सीखेंगे। देखिए, निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये आयत चित्र है, इसका अध्ययन करके क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन यहाँ से आपका चला है, देखो यहाँ पर आप एक बार ग्राफ को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरीके से है, विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। और यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक के अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, 12। यहाँ पर 20 से 30 तक 16 विद्यार्थी, और 30 से 40 तक 20 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, और 40 से 50 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 28, और 50 से 60 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8, और 60 से 70 10, और 70 से 80 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4। तो इस प्रकार अंक प्राप्त किए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या के द्वारा। अब हमें मालूम करना है क्वेश्चन पढ़कर, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश होगा। 30 या अधिक और 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी, 30 और 60 से कम, यानी कि 30 और 60 से कम। तो 30 से स्टार्ट होना है, देखिए 30 से स्टार्ट, यहां से देखिए 30 से 40, 30 या अधिक, तो 30 से अधिक शुरू हो गए 20 विद्यार्थी, तो ये है हमारे 20 विद्यार्थी जो 30 से 40 के बीच में ले रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है 30 या अधिक और 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 20 तो ये हो गए, और 40 से 50 20 विद्यार्थी ये हो गए, हमें 60 से कम तक ध्यान रखना है, और 50 से 60 ये रहे 8 विद्यार्थी ये हो गए ऊपर, 60 से अधिक हो जाएंगे, 60 से 70 ही अधिक हो जाएंगे, उनको हम छोड़ देंगे, बस केवल ये विद्यार्थी काउंट कर लेंगे। कितने विद्यार्थी हो गए, 20 प्लस 28 और प्लस, देखो 20 प्लस 28 प्लस 8, तो 20 रात 28 और 28 56 हो जाते हैं। तो 56 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 30 या अधिक और 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 56, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से आप बेस्ट बनेंगे, आसान, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, कोई भी क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आ सकती, आप मैथ से निडर हो जाए, बिल्कुल निडर हो जाए मैथ से। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर शिक्षकों की संख्या दर्शाई गई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, इस तरीके से। और यहाँ पर शिक्षकों के भार किलोग्राम में दर्शाए गए हैं, यानी कि 40 से 50 तक के भार वाले शिक्षकों की संख्या 3 है, ये ग्राफ दर्शा रहा है। 45 से 50 के बीच वाले शिक्षकों के भार की संख्या 5 शिक्षक हैं, और 50 से 55 किलोग्राम भार वाले शिक्षकों की संख्या 4, और 55 से 60 तक 7, और 60 से 65 तक 9, और 65 से 70 तक 5 शिक्षक हैं, और 70 से 75 तक 6 शिक्षक हैं। तो देखो यहाँ पर भार के अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या का बार ग्राफ दर्शाया गया है। तो ऐसा देखते हैं, सबसे अधिक शिक्षकों की संख्या किस भार के बार ग्राफ में दर्शाई गई है, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में बताया है निम्न में से किस भार समूह में शिक्षकों की संख्या अधिकतम है, किस भार समूह में। तो अधिकतम शिक्षकों की संख्या स्पष्ट दिखाई दे रही है, 9 है, यहाँ पर 9 ये शिक्षकों की संख्या है, सबसे अधिक
नो शिक्षक है ये रहा। किस बाल समूह में शिक्षकों की संख्या अधिकतम है? तो भार समूह देखेंगे इन शिक्षकों का 60 से 65। तो वह भार समूह 60 से 65 है जिसमें शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है, ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज राइट। 60 से 65 भार किलोग्राम वाले शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी संख्या 9 दर्शाई गई है। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये वाला ऑप्शन ए इज राइट। देखिए बार ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होगा, हम आपके सामने सभी क्वेश्चनों को इजी बनाएंगे आपके लिए। बिल्कुल आप मैथ में तभी तो निडर बनोगे और तभी आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन है ये पाई चार्ट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ए बी सी डी ई और एफ में 20% 14% 16 8 20 और 22% की कंडीशन दर्शाई गई है। तो हम देखते हैं कि दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों का औसत वितरण को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आपके सामने। अब पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 450 है, अगर कुल कर्मचारियों की संख्या 450 है तो ई विभाग की कुल कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात करो। केंद्रीय कोण, ई विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है, यानी कि ई वाले का। तो मुझे पता है ई में 20% कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है, तो टोटल ये होता है 100%, टोटल कर्मचारियों की संख्या होती है 100%। अब मुझे डिग्री में बताना है, न कि संख्या में। संख्या में नहीं बताया, पूछा गया है कोण यानी कि डिग्री के रूप में पूछा है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है परसेंट में, तो 100% के बराबर होता है 360 डिग्री। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर डिग्री में पूछा जा रहा है, इसलिए डिग्री मान हो जाती है। अगर डिग्री देखते हैं तो टोटल 360 होता है डिग्री में और परसेंट में होता है टोटल 100%। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करते हैं, इक्वल टू इक्वल दोनों साइड बराबर बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है ई विभाग में कर्मचारियों का जो परसेंट दिया गया है 20% है, तो उसमें उनका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है उनकी संख्या का। तो देखो 100% के बराबर केंद्रीय कोण बनता है 360 डिग्री का, तो 20% के बराबर निकालेंगे इस 20% ई का 20% है ना, इस 20% के बराबर निकालेंगे कितना केंद्रीय कोण बनेगा, ये वाला पूछा। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, तो 20 × 100, 5 से मैं इसको भाग करूंगा, 5 × 7 = 35, 1 × 5 = 10, 72 डिग्री का केंद्रीय कोण बनेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट।